गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए दिन की नई शुरुआत आज हमारे सफ़र के साथ, आज जर्नी के साथ। तो आज हम जा रहे हैं नैनीताल। गुन्नू की पड़ गई है विंटर वेकेशन, जैसे मैंने तुम्हें बताया था विंटर वेकेशन की स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों उसकी मामा के पास विंटर वेकेशन में विंटर वाली जगह जा रही है विंटर वेकेशन में विंटर जो जा रही है आप क्या बताए नैनीताल। तब ये नैनीताल छोड़ के आते थे हम यहाँ। देखो तो ये सब कैसे मुँह धक्के बैठे। गुन्नू हेलो बोल दो, अपने गाइस से हेलो बोलो। आपके गाइस कह के गुन्नू नाम से बात नहीं करी, फिर आपका तीन चार दिन बाद ब्लॉग अब आएगा नहीं आएगा पता नहीं। अब तीन चार एक हफ्ते तक ऐसा ब्लॉग नहीं आने वाला है। एक हफ्ते तक आएगा ब्लॉग, करो एक हफ्ते बाद ब्लॉग आएगा उसका। चलो मिलते हैं अब सफ़र में। सर हवा टायरों में हवा भरती है, हमारे गुन्नू आने के लिए तेल पानी हवा भर के सब तैयार हो गए हैं गाड़ी में। हो गया, चलो थैंक यू पेट्रोल पंप। चलो भाई अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो भाई। फाइनली पहुंच चुके नैनीताल, और यहाँ पहुँचते ही नीलमा देवी तो चली गई अपने ऑफिस। हाँ, हमारे गुन्नू को यहाँ छोड़ गई है। गुन्नू बेचारी यहाँ आराम से बैठ के देख रही है टीवी। क्या देख रही है? टीवी में देख रही है बस गाने। और क्या और देखो आंसू ले आए हमारे लिए खाना बना हुआ फर्स्ट क्लास। ये दो प्लेट ना खाऊंगा मैं बाबा इतना खाना। चलो गुन्नू बेटा मैं जाऊँ घर को, जाऊँ अभी चलोगे? चलोगे आप नहीं आओगे? मम्मा से तलका हो गए आपको? पापा की याद नहीं आएगी फिर? सर पक्के नहीं आएगी याद? अभी अगर पापा की याद आएगी आप रोओगे तो क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा, कुछ तो कहेगा मेरा बच्चा, कहेगा मेरे पापा कहाँ गए, फिर आप रोते हो, आपको रात को डर भी लगती है। फिर पापा के साथ भी थोड़ा चिपक के सोता था, क्या होगा फिर? पापा के साथ सोएगा? अच्छा, और पता है घर में आपका वो आया है क्या? क्या निक्का वो कौन सा टॉय यार वो कल को आ रहा है? आ गया आज। क्या नाम उसका? मासा नबियर वाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मम्मा के साथ तो मैं वो मानने का दे दूंगा। मानी आ रही है? मारूंगा मारूंगा वीडियो बंद करो मैं मारी को दे दूंगा, छोड़ ले करो। माने को दे दो मैं? मारूंगा। भाई मैं तो माने को देने वाला हूँ। मारूंगा। किसको मारेगा? माने को? आपको। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये लकड़ी में पिट्टी कर दी भाई साहब, लकड़ी में पिट्टी कर दिया। ओ भाई साहब, चलो हम मैं जा रहा हूँ। चलो चलो पापा को पातो करते, पापा जा रहे हैं। वेरी वेरी गुड। सुनो एक 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 लास्ट पाव पापा जा रहे हैं। वॉश करने की वजह से खराब हो गया। क्या बात कर रहा है? बाय बाय आंसू, बाय बाय। क्या लगना हमारे बच्चों का? हर्षू भी तो है यहाँ। बाय बोल दो हर्षू बेटा, बाय बाय बोल दो। बाय 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 बेटा। निकल गया हूँ मैं हल्द्वानी के लिए। आते से देखो कितने सुंदर सुंदर पहाड़ है। वाह बहुत बड़े ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, यहाँ से बहुत अच्छा सुंदर लगता है। आते समय तो भैया खुशी थी, नीलमा देवी थी साथ में, अब वापसी में हम अकेले हैं। अकेले अकेले सुंदर वादियों का नज़ारा लेते हुए जा रहे हैं। देखो
बात कटी, बात तेरी मीठी मीठी दूर। ये देखो कितना सुंदर नजारा है, सारे पहाड़ पर्वत सब यही है भैया, जन्नत कहोगे तो यही है सारी जन्नत। वाह कितना सुहाना मौसम हो रखा है यार, मस्त नीला आसमान, बहुत अच्छी धूप खिली हुई है पहाड़ों पे इस समय। नहीं तो अगर प्लेन्स में देखोगे तो भाई साहब कोहरे से हालत ख़राब हो रही है वहाँ, लेकिन यहाँ पहाड़ों पर मस्त धूप खिली है। यहाँ सुबह शाम को ठंडा होता है, दिन में तो बहुत बढ़िया मौसम होता है, बहुत ही बढ़िया। सामने पर्वत देखो, मैं पहुँच गया रूसी बाईपास पे। खुशी तो अब है नहीं घर, अब बिना खुशी के ब्लॉग बनाना चालू करना पड़ेगा। अब एक हफ्ते की छुट्टी पे भाई खुशी।